Hello grade 5, this is our 7th lecture. Today is 12th April, Monday. Today's objectives are improving our listening and speaking skills, working with suffixes, abbreviations and contractions. So let's begin our lecture today. Grade 5, open up your textbook to page number 13, part B, suffixes. Sometimes we can add the suffix y to a word when we wish to use it as an adjective. Okay, आपको पता होगा sometimes जब हम words के आगे कुछ word लगाते हैं या कोई letter लगाते हैं तो उसको हम suffix कहते हैं. Suffix हमेशा किसी भी word के आखिर में लगाया जाता है, ठीक है. Suffixes आपके y वाले भी हो सकते हैं, आपके es वाले भी हो सकते हैं, आपके full वाले भी हो सकते हैं, ठीक है. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट सफिक्सेस. और जब आप डिफरेंट सफिक्सेस लगाते होते हो तो क्या होता है कि जो आपका वर्ड की क्लास है वो चेंज हो जाती है, ठीक है. आपका वर्ड क्या पता पहले नाउन हो तो वो एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन अस एन एग्जाम्पल हेयर, डाउन, अ नाउन मीनिंग द सॉफ्ट फेदर्स ऑफ यंग बर्ड्स. अब ये नाउन है डाउन, लेकिन जब हमने इसके आगे वाई लगाया है, व्हेन वी एडेड अ सफिक्स हेयर, इट बिकेम डाउनी, एंड डाउनी इज एन एडजेक्टिव. ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन 1. एड द सफिक्स वाई टू दीज वर्ड्स एंड देन यूज द न्यू वर्ड्स एडजेक्टिव्स यू हैव मेड इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. अब आपने जो है, आपको यू हैव बीन गिवन सम वर्ड्स हियर, यू हैव टू ऐड द सफिक्स वाई हियर एंड सो दे कैन बिकम एडजेक्टिव्स. ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं दे आर नाउन्स. ओके, व्हेन यू ऐड द सफिक्स वाई इन दीज वर्ड्स दे विल चेंज इनटू एडजेक्टिव्स. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज फ्लफ. आप वाई लगाओगे तो बन जाएगा फ्लफी. फ्लफी इज समथिंग दैट इज फुल ऑफ हेयर एंड वेरी सॉफ्ट. यूजली हम ये वर्ड एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, याद है ना आपको. बी फन, फनी. तो यहाँ पे फनी के साथ आपने एन भी लगाया है, आपका जो है एन है. अब हमने डबल एन क्यों किया, क्योंकि अगर आपका लास्ट लेटर है उससे पहले आपका वाउल आ रहा है तो आपका लास्ट लेटर हमेशा डबल होता है, ठीक है. तो एन से पहले क्या आ रहा है, यू आ रहा है. यू इज़ अ वाउल. तो जब आपका कॉन्सोनेंट से पहले एक वाउल आता है तो कॉन्सोनेंट हमेशा आपका डबल होता है, ठीक है. तो इसलिए आपने कॉन्सोनेंट को डबल किया और वाई लगा दिया, फनी. सी लीफ, लीफी. शुगर, sugary, bend, bendy. Okay, now let's move to the second question. Add the suffix y to the following where possible. Not all the words can take the suffix y, so check in a dictionary and be careful about spelling changes. So again we have been given some words, we have to add the suffix y at the end of these words, but we also have to be very careful because not every word will have the suffix y. Okay. अच्छा, अब हमें अलहदा उन्होंने एक कुछ वर्ड्स और दिए हुए, इनमें भी हमने सफिक्स वाई लगाना है, लेकिन आपको केयरफुल इसलिए रहना है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके आखिर में सफिक्स नहीं लगता, उनके आखिर में वाई नहीं लगता, ठीक है. सो द फर्स्ट वर्ड इज रेड. अब रेड को जो है आप रेडी पढ़ते हो और इट्स आर यू डबल डी वाई, यहाँ पे स्पेलिंग चेंज होगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके, रन, रनी. शेड, शेडी. ई हटा देंगे. क्लोज, क्लोज के आगे कोई भी सफिक्स नहीं आता. शाउट, शाउट के आगे भी कोई सफिक्स नहीं आता. थॉर्न, थॉर्नी. वेट, वेटी. कोल्ड, कोल्ड के आगे कोई सफिक्स नहीं है. स्नो, स्नोई. सन, सनी. ओके, नाउ एब्रीविएशंस. डू यू रिमेंबर व्हाट एन एब्रीविएशन इज? आपको पता है एब्रीविएशन क्या होती है? एब्रीविएशन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग समथिंग. यूजली ओनली द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैव द इनिशियल लेटर्स इन द एब्रीविएशंस. एब्रीविएशंस क्या होती हैं? जब हम किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में करके लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं एब्रीविएशंस. और यूजली सिर्फ इनिशियल कहते हैं, पहले लेटर्स, वो पहले लेटर्स लिखते हैं एब्रीविएशन में जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. जैसे कि आपका एक वर्ड है बैचलर ऑफ आर्ट्स. बैचलर ऑफ आर्ट्स कब हम ये नहीं कहते बी ओ ए, हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बैचलर एंड आर्ट्स, तो हम कहते हैं बी ए, ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन 3. सी इफ यू कैन राइट एब्रीविएशंस फॉर द फॉलोइंग. अब आपने देखना है कि ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनकी अपने एब्रीविएशंस लिखनी है, ठीक है. मास्टर ऑफ साइंस, MSc, his or her majesty, तो आप HM लिखोगे. Member of Parliament, PM. Master of Arts, MA. School Leaving Certificate, SLC. Doctor of Medicine, MD. Trade Union, TU. Doctor of Philosophy, PhD.
साउथ ईस्ट एस ई बैचलर ऑफ एजुकेशन बी एड. ओके नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर इज कंट्रैक्शंस. कंट्रैक्शंस का भी मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को कंट्रैक्ट करते हो, छोटा करते हो, शॉर्ट फॉर्म लिखते हो. तो आई एम की आपने शॉर्ट फॉर्म आई एम, हैव नॉट, हैवंट, दे हैव, दे हैव, वी आर, कांट, दिल, शैंट, इट्स, दे आर, वोंट, आईड, शिल. ठीक है, इनको भी डिफरेंट आप तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. कम टू योर पेज नंबर 14. ओके सो पार्ट सी. नाउन्स एंड वर्ब्स. लुक एट द सेंटेंसेस बिलो. He gives his harness bells a shake. They shake the branches and the fruit falls off. इस sentence में भी they have used the word shake and इस sentence में भी. The word shake is used as a noun in the first sentence and as a verb in the second sentence. He gives his harness bells a shake. कि उसने अपने harness bell को क्या किया? Shake किया. तो यहाँ पर आपका word जो है, यहाँ पे आपका जो वर्ड है यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हो रहा है. दे शेक द ब्रांचेस एंड द फ्रूट्स फॉल ऑफ. उन्होंने ब्रांचेस को शेक किया और वो सारा फल जो है वो नीचे गिर गया. ठीक है, यहाँ पे शेक आपका वर्ब की तरह काम हो रहा है. तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि हाउ यू यूज़ डिफरेंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेज एंड देयर क्लास कैन चेंज. आप अपने वर्ड्स को डिफरेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेज में और उस वजह से उनकी क्लास चेंज हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड जो एक सेंटेंस में वर्ब की तरह काम कर रहा है तो वो हमेशा ही वर्ब की तरह काम करेगा. नो, वो डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह इस्तेमाल किया है. तो क्या पता वो नाउन की तरह काम करे बाकी वर्ड्स में. ठीक है.